मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने घर घर औषधि योजना को लागू किया है। इस योजना को वृहद स्तर पर लागू करने वाला राजस्थान संभवतः देश का पहला राज्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। मुंबई के एक बीजेपी नेता ने पुलिस से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि सीएम बनर्जी ने राष्ट्रगान को बैठकर गाया, जो कि अपमान है। शिकायत में आगे कहा गया है कि ममता राष्ट्रगान थोड़ा सा गाने के बाद रुक जाती है। गुजरात के गिर सोमनाथ में देर रात बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के चलते 13 से 15 नावों के समुद्र में डूबने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 10 से 15 मछुआरे लापता हो गए हैं, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, मगर वाराणसी के अंदर अभी भी लोग वैक्सीन से परहेज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले वाराणसी को 100% वैक्सीनेट करने का सपना अब अधूरा लग रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश दुनिया में दहशत का माहौल है। भारत में भले ही इस वेरिएंट ने अभी तक दस्तक नहीं दी हो, लेकिन कोरोना के इस रूप ने केंद्र राज्य सरकारों को लेकर आमजन तक को अलर्ट कर दिया है। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दहशत है। प्रदेश में भी संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में कई बच्चे पॉजिटिव आने के बाद ऑनलाइन क्लास शुरू करने का फैसला लिया गया है, लेकिन अब दो राजनीतिक आयोजनों से प्रदेश पर कोरोना मामले बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 12 दिसंबर को कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली महंगाई घटाओ रैली अब जयपुर में होगी। राजस्थान में मौसम के मिजाज ने करवट ले ली है। नया सिस्टम सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को मौसम में खासा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं आज जयपुर के साथ साथ जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और उदयपुर संभाग में 1 से 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। 12 में राजस्थान शिक्षक संघ युवा के संभाग प्रमुख भुवनेश ने बताया कि संगठन का जिला अधिवेशन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा रोड 12 में धूमधाम से संपन्न हुआ है। अधिवेशन में दूरदराज से बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे। लगभग 400 शिक्षकों ने अधिवेशन में शिरकत की। समारोह में जिन शिक्षकों ने पर्यावरण क्षेत्र, सामाजिक सरोकार, रक्तदान या फिर किसी अन्य विशेष क्षेत्र के अंदर कार्य किया है, उनको शिक्षा संघ युवा के द्वारा सम्मानित किया गया। पावटा के निकटवर्ती विराटनगर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत जय सिंहपुरा के गाँव सूरजपुरा में बुधवार की शाम को एक दलित दूल्हे की निकासी में बड़ी पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में उसकी निकासी निकाली गई। गांव के दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठने को लेकर तनाव की आशंका के चलते दूल्हे के परिवार की ओर से लगाई गई गुहार के बाद में गांव में भारी पुलिस जाप्ता लगाया गया। पुलिस सुरक्षा की में के बीच में निकासी शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर निकासी निकाली गई। शोपुरा कस्बे के अंदर राधा स्वामी देव प्रमुख बाबा गुरविंदर सिंह बुधवार को हेलीकॉप्टर द्वारा वायुसेना स्टेशन पहुंचे, जहां पे सड़क मार्ग से लालपुरा पालीवाला डेरा पहुंचे। गुरुवार को सुबह 10 बजे खुली जीप में सवार होकर अनुयायियों को दर्शन देंगे। इसके बाद में सवाल जवाब कार्यक्रम में
संगत के प्रश्नों के उत्तर देंगे, जिसके बाद में करीब 11 बजे डेरा व्यास के लिए प्रस्थान करेंगे। सूरतगढ़ में आम आदमी पार्टी सूरतगढ़ इकाई विधानसभा अध्यक्ष राधेश श्याम उपाध्याय की अध्यक्षता के अंदर बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वार्ड प्रभारी रंजीत अठवाल के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान में नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में सिंबल जारी किए गए तथा एक फोन कॉल मिस करके सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राधेश्याम उपाध्याय ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया। पाटा की ग्राम पंचायत दांतिल में सुंदरपुरा के पास में डोडा वाली ढाणी में 20 साल की युवती की लाश मिली है। उसकी लाश घर के नजदीक के खेत में पड़ी हुई मिली है। वहीं सूचना पर पुलिस जाब्ते ने मौके पर पहुंचकर जयपुर से एसएफएल टीम में डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। वहीं मौके से युवती को घसीटने के निशान भी मिले हैं। इसके चलते पुलिस ने युवती की हत्या की आशंका जताई है। जोधपुर के गुर्जावास निवासी अंडाराम बनार डिपो से 48 वर्ष की गरिमान से सेवानिवृत्त हुए। इस मौके पर डॉक्टर गणपत लाल मेहरा माला व सभा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान समाज सेवी धोकल सालवा कला के साथ में गांव के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बिजनौर में बाइकों पर सवार होकर 5 व्यक्ति मजदूरी के लिए जा रहे थे। नूरपुर चांदपुर मार्ग पर तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। 5 मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 5 में से 1 व्यक्ति की मौत हो जाने से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी 4 घायलों का इलाज अभी भी जारी है। कुशीनगर के फाजिलनगर में स्थानीय कस्बे के अंदर स्थित मदरसा फैजबाहुल उलूम में बुधवार को अपने कुशीनगर भ्रमण कार्यक्रम में क्रम के अंदर अल्पसंख्यक उद्योग के सदस्य अहमद वारसी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लालमम पहुंचे थे। उपस्थित मदरसा शिक्षकों ने उनका स्वागत किया। उनके आने की सूचना पाकर उपस्थित विज्ञान अध्यापकों ने 3 साल से रुके हुए मानदेय को देने के लिए सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। नरसिंहपुर जिले में श्रम पदाधिकारी की शानदार कार्रवाई सामने आई है। मजदूरों को 1 घंटे में ही पैसे दिलाए हैं। बता दें कि मामला मध्यम के नरसिंहपुर जिले का है, जहां पर गुड़ भट्टी पर बाहर से काम करने आए मजदूरों को ठेकेदार द्वारा काम कराने के बाद पैसे नहीं दिए गए थे। जिसकी शिकायत मजदूरों द्वारा श्रम विभाग में की गई, जिस पर श्रम विभाग नरसिंहपुर अधिकारी ज्योति पांडे दुबे द्वारा भट्टी मालिक व ठेकेदार को मौके पर बुलाकर तत्काल सभी मजदूरों का भुगतान करवाने और इसे आगे ऐसी गलती ना दोबारा देने के भी निर्देश दिए गए। बिजनौर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ में जिला बदर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के थाना नगीना देहात को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एसपी के दिशा निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है, राज्य सरकार हमेशा किसान